गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए मैं आपको गांव के कुछ खूबसूरती दिखाते हैं और भी गांव के कुछ चीज़। तो बने रहिए हमारे लास्ट ब्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं गांव की खूबसूरती, ये सब धान बैठा चुके हैं अभी लगभग। ये जुम्मन जो रहा है और ये जुम्मन जो रहा ली मस्जिद। चलिए आगे चलते हैं चांदे तालाब पे, देखते हैं चांद तालाब पे पानी कितना हो गया। देखिए गाइस, हमारे गांव का ये जो रोड है ये बहुत डायमंड है। ये घर भी बहुत जबरदस्त जस्त बना हुआ है, देखिए। पानी तो लगभग कम हो चुका है ताल का, बारिश हुआ था तो ज्यादा था, अभी तो फिलहाल कम हो गया है। गाइस मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा, एकदम ठंडक है। गाइस देखिए गांव है पूरा बाहर का, इधर शंकर नगर है, ये इधर पुरौवा है, ये और उधर आगे भीखमपुर है। काफ़ी बड़ा गांव है, आप लोग जानते ही होंगे शंकर नगर काफ़ी बड़ा गांव है। चलिए अभी इधर चलते हैं, वहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मछली मार रहे हैं, इसमें बड़ा पोखरा है। इस साल साथ इसमें मछली नहीं डाले हैं, नहीं तो मछली डालते थे तो बहुत मछली रहती थी इसमें। चिड़ियों का आवाज कितना प्यारा लग रहा है, कौओं का। ये तालाब, ये सब पूरा सूखा हुआ था अभी लगभग एक महीना पहले। ये नदी का पानी आया इसमें और बारिश का ऐसे ही पूरा मतलब भर गया। देखिए मौसम कितना जबरदस्त दिख रहा है यार, माशाल्लाह। ये गांव का है, गांव के अंदर का थोड़ा इधर। ये रोड जुम्मन चौराहे पे जाता है, अब नए नए घर बन रहे हैं गांव में। गया जुम्मन चौराहा, ये देखिए, ये है शकील भाई का ढाबा। यहाँ पे हर सामान मिलता है, होम डिलीवरी भी करते हैं शकील भाई, घर तक सामान पहुँचाते हैं। ये देख सकते हैं इधर चारों तरफ हरियाली ही नजर आ रही है। ये इधर स्कूल है और इधर गांव। चलिए और अभी आपको आगे दिखाते हैं।
प्लास्टिक है, इससे पहले थोड़ा बड़ा वाला था वो कट गया, ये फिर से नया वाला है दूसरा। गला रोज बहुत डायमंड है यार, आगे डैमेज है, आगे गाड़ी ही नहीं जाएगी। ये है पंचायत भवन, काफ़ी दिनों बाद इधर आए हैं यार। चलिए आगे दिखाते हैं पैदल चल के आपको। इतना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए गाइस। यह पंचायत भवन कटरा शंकर नगर का, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। यह पूरा उधर हरियाली है, हरियाली चारों तरफ दिखती है, कितना अच्छा दिख रहा है मौसम, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। इससे पहले और भी अच्छा था, पूरा फूल वगैरह लगा था, लेकिन फूल वूल तो नहीं है, लेकिन ये देखिए इधर गांव है, ये इधर कटरा के पास ये पंचायत बना है, इधर ये गांव उधर है दूर। चलिए अब इधर हो गया, अब आप लोगों को नदी के तरफ दिखाऊंगा, राप्ती नदी के तरफ, और भी अगर हो सके तो जाऊंगा फजलुकुट्टी के तरफ, तो ये सब आपको सीन दिखाऊंगा, देखूंगा। वीडियो भी लंबा हो जाएगा लगभग काफ़ी, तो देखेंगे उसी के हिसाब से, और आप लोगों को थोड़ा सीन दिखाएंगे। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सब पतंग उड़ रही है और सब जाके लूट रहे हैं, ये कट गई है पतंग, ये कटंग किया कट के आ रही है, देखिए वो घर में चली गई, शायद घर में ही गिर गई। तो आइए गाइस चलते हैं राप्ती नदी के तरफ, जो अपना स्कूल है जामिया उसी पर चलते हैं उधर। यह है सरोवर यूपी ग्रामीण बैंक, जो कि अब बंद हो चुका है, ये कब्रिस्तान है हमारे गांव का। Mm-hmm.
कहाँ बोलियो कहीं है बोले के बाद यहाँ यह है राप्ती नदी ये अपना गांव का स्कूल है, अपने गांव का जामिया मोहम्मदिया नसरतुल इस्लाम, आप लोग जानते ही होंगे। लोग यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। घूमने के लिए सब अच्छे जगह है, गर्मी भी बहुत है तो इसमें सब इधर हवा लगता है खुले में। काफ़ी खूबसूरत सीन दिख रहा है, देखिए सामने नदी है राप्ती। अब शाम का टाइम हो गया तो मौसम और भी अच्छा दिख रहा है, पूरा हरियाली हरियाली नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो यार अगर भाई आप लोगों को हमारा ब्लॉग ज़रा सा भी अगर आप लोगों को पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, और लाइक कमेंट तो ज़रूर ही करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे या लाइक कमेंट कुछ कमेंट भी करेंगे तो इससे हमारा हौसला अफजाई होगा। देखिए हरियाली माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये गाँव है अपना, यहाँ से दिख रहा है। और हमारे गांव का अपना गांव शंकर नगर एक ग्रुप है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उसमें जाके और ज्वाइन हो सकते हैं। हमने सोचा था यार और कहीं भी जगह जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन क्या करूं वीडियो ही इतना लंबा हो गया कि क्या बताऊँ। और फिर दूसरे पार्ट में और भी दिखाएंगे, और गांव अंदर उधर जाएंगे नदी के तरफ, जो फजलू कुट्टी के तरफ, और भी गांवों का। अगर आप लोगों को किधर का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, हम ज़रूर इंशाल्लाह बना के देंगे। तो गाइस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए आप लोगों को मैं, आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को किधर का वीडियो चाहिए, उधर का हम बनाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, इसीलिए वो आप नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे जो आप लोग बोलेंगे। और अगर वीडियो में हमारे ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो या तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट ज़रूर करें प्यारा प्यारा। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और एक बात और, अगर ग्रुप में अगर हम आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके और ज्वाइन हो सकते हैं। ओके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए बादल कितना लाल लाल है भाई।